31 जुलाई को हमारे मंडल मंत्री श्री गोविंद सिंह साहब का कार्यकाल समाप्त हुआ और उस दिन महामंत्री जी के द्वारा मंच के माध्यम से ही ये घोषणा की गई है कि जब तक कोई नया मंडल मंत्री नहीं बनाया जाता है तब तक हमें मंडल का भी मंडल मंत्री मतलब ये है कि अभी हम कार्यभार देख रहे हैं अस्थायी रूप में, हम मंडल मंत्री का काम और उस पद पे नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट करूं, इसलिए कानपुर से इलाहाबाद जाके हफ्ते में 5 दिन भी आराम वापिस होता है और बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा इसके लिए। आगे जैसी स्थिति संगठन की बनेगी वैसा फिर देखा जाएगा। आज की बातों पे मैं आऊंगा मित्रों। NFIR के आह्वान पे NCERS के महामंत्री जी के निर्देश पे ये केवल एक यूनिट में ही ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, अभी पूरे भारतवर्ष के NFIR से रिलेटेड जितने भी संघ हैं संगठन हैं सारी यूनिटों में भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के कारण अभी कमिटमेंट सरकार ने किया एरियर को दे दिया, BADR को दे दिया, लेकिन एरियर के भुगतान के लिए आनाकानी हो रहा है। आदेश हम लोगों को मिला है कि अपने अपने यूनिटों में आप लोग प्रदर्शन करें भारत सरकार के विरुद्ध उनके नीतियों के विरुद्ध, नाइट अलाउंस को लेकर के प्रदर्शन करें। और मित्रों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 25 अगस्त को प्रयागराज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पे एक बड़े प्रदर्शन का भी आयोजन मैं करने जा रहा हूँ। आप लोगों को भी निमंत्रण दूंगा, अभी थोड़ा उसका सिस्टम बैठा लिया जाए। एक जोरदार आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं मित्रों कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के माध्यम से भी हम अपनी आवाजों को रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने का काम, ये तो प्रयास होता है, होना भी चाहिए। श्रम संगठन चलाने के नाते हमारी या जो भी हमारे साथ सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति आपको अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए सतत प्रयासशील रहें। उस कड़ी में हमारा दोपहर में भी 12:30 बजे के समय दिया गया है ड्राइवर लॉबी पे, सारी ब्रांचेस सेंट्रलाइज होके वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग और प्रदर्शन का आयोजन करेंगी। रेलवे इंटेलिजेंस को भी मालूम हो गया है, बता दिया गया है। तो मेरा कुल कहने का अभिप्राय ये है कि जो उद्देश्य एक श्रम संगठन चलाने के नाते होना चाहिए, हम लोग अगर उसी पे काम करें तो बेहतर होगा। साथ इधर उधर की बातें घुमा फिरा के आरोप प्रत्यारोप, अभी हमारे शाखा मंत्री महोदय भी बोल रहे थे, अन्य साथी भी क्या बोले होंगे, मैं लेट से आया हूं, लेकिन काम करने के लिए सेंट्रलाइज मन को करना पड़ता है। आप कोई रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रायोजित आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अगर आप खड़े होके खाली उसमें सफाई देंगे, जवाब देंगे, तो निश्चित रूप से आपका कार्य प्रभावित होगा। मैं अपने शाखा के शाखा अध्यक्ष शाखा मंत्री जी से भी यही कहूंगा कि अपने कामों पे आप लोग टारगेट करो, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, काम आप करोगे तो काम आपका बोलेगा। ये सिविल की राजनीति नहीं है, ये ट्रेड यूनियन है, ठीक है राजनीति हम करते हैं, लेकिन कर्मचारी यहाँ का स्थायी और स्थिर है। किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, ये नहीं है कि आज हम यहाँ मीटिंग कर लिए, हम विधायक हैं, MP हैं, कल दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, परसों तीसरे क्षेत्र में जाएंगे, जो भी काम हम करेंगे आपके बीच में ही रहेंगे, यहीं पे करेंगे, यहीं की जवाबदेही हमारी बनती है। अभी मित्रों मैंने एक चिट्ठी, पांडे जी बैठे हमारे रामा देवी साइड से, कई कर्मचारी साथी आते हैं, मैंने चर्चा किया, मुझे किसी ने नहीं बताया था, मेरे मन में एक बात आई थी कि रेलवे के पैनल पे दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, शहर के अंदर तमाम अस्पताल हम लोग लाने में कामयाब रहे रेलवे पैनल पे, लेकिन पूर्वी क्षेत्र हमारा बिल्कुल अछूता है, अभी एक भी अस्पताल नहीं है, जबकि रेलवे के सारे विभागों के सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उधर भी निवास कर रहे हैं। हमने CMS से बात किया, उन्होंने कहा आप चिट्ठी बना के दीजिए, हम प्रयास करते हैं। मित्रों अभी 10 दिन हुआ होगा, मैंने चिट्ठी CMS को भी रिसीव कराया गया था, DRM महोदय से भी मिलके दिया हूँ, और महामंत्री जी के माध्यम से CMD के पास भी मैंने भेजने का काम किया है।
तीन अस्पतालों की हम डिमांड कर रहे हैं। वहां पे एक मंगला हॉस्पिटल है, दूसरा टॉरस हॉस्पिटल है, तीसरा सरल नर्सिंग होम है। रामा देवी साइड में तीन अस्पताल हैं जिनके लिए एनसीआरएस प्रयास कर रही है। तीन में से दो तो कम से कम हम लोग लाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। ये आप लोगों के सुविधा के लिए हम लोगों का प्रयास है मित्रों, ऐसा हम लोग कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो भी रेलवे पैनल पे आए। मंडल अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात है मित्रों, आरोप प्रत्यारोप की बातों पे कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा इस पे कुछ चर्चा भी नहीं करूंगा। हमारे बीच में एक साथी खड़ा है जमीर अहमद, अपने किए काम का व्यक्तिगत कामों का उल्लेख मीटिंग के माध्यम से करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप उनसे स्वयं पूछिएगा कि क्या स्थिति थी उनकी। और डीआरएम पंकज साहब थे, तीन बार फाइल रिग्रेट हुई थी और कैसे करा के इस केस को लाया गया है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जब से बंदा ज्वाइन किया तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि नौकरी इसने बाद में ज्वाइन किया, यूनियन ने नौकरी में आने से पहले ज्वाइन कर लिया था। आज भी एनसीआरएस के साथ कदम कदम पे चल रहा है, हम यही उम्मीद सानू से भी कर रहे हैं। बाकी जो बातें हैं मित्रों, आप लोग स्वयं उसका जवाब दीजिएगा, हमें उसमें कोई संकोच नहीं। कोई कुछ कहता रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और कहूंगा, हम श्रम संगठन चलाते हैं, हम यहाँ निजी दुश्मनी करने नहीं आते। आप हमारे साथ आज हो सकते हैं, कल हमारे दूसरे साथियों के पक्ष में आप जाके खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें व्यक्तिगत रंजिश नहीं माननी चाहिए, व्यक्तिगत गाली गलौज पे आमादा नहीं होना चाहिए। और अगर हमसे कोई गलती हुई है सार्वजनिक रूप से, तो सार्वजनिक मंच पे हमें उसमें एक्सक्यूज करने में क्या दिक्कत है। माफी मांगने वाला तो बहुत बड़ा आदमी होता, उसका दिल बहुत बड़ा होता। ऐसा श्रम संगठन के संचालित करने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। अगर नेतृत्वकर्ता का दिल इतना बड़ा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि नेतृत्व करने की क्षमता उनमें कहीं ना कहीं एक बार चूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बचाव आदमी करेगा। हम एक सक्षम पद पे हैं, किसी कर्मचारी के साथ अगर इस तरह की कोई स्थिति करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, तो कर्मचारी कम से कम नहीं हमें पलट के जवाब देगा तो कंट्रोलिंग अफसर को तो कंप्लेंट करेगा, और उस कंप्लेन के बाद रिएक्शन और तगड़ा अगर होगा और वो व्यक्ति हमारे संगठन में एक कार्यकर्ता के रूप में आया है, तो मित्रों संगठन चलाने के नाते हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसको बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि कोई कार्रवाई करने से पहले हमें भी सोचना चाहिए, हम 10 बार सोचते हैं, आज भी सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों को भी कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है। उससे ज्यादा पीड़ा अगर आप सोचेंगे तो हमको भी हो रही है कि हमारा साथी आपके साथ गया तो हमने तो आपसे कुछ नहीं कहा, एक शब्द उन लोगों से भी हमने आज तक नहीं कहा, लेकिन स्वतः अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपको इस तरह का बर्ताव नहीं करना। और अगर आपने किया तो एक्सक्यूज करने में भी आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए, आपका बड़प्पन होना चाहिए। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं, कोई कार्रवाई करने की इच्छा हमारी भी नहीं है, न थी न है न आगे भी रहेगी, लेकिन भड़कपन आपको भी दिखाना चाहिए। अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना होता तो इतना पूछताछ की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी स्वच्छंद हो, आप अपने सूत्र से करते, हम स्वच्छंद है अपने सूत्र से करते, लेकिन इन कर्मचारियों की स्थिति क्या होती, कल से यहाँ तनातनी होती, जो आपके साथ होते हमारे लोगों से नहीं बोलते, जो हमारे साथ होते आप लोगों से नहीं बोलते, ये सोचने की जरूरत आज भी है। आप लोग एकांत में सोचिएगा इस बात को। मैं फिर कह रहा हूं कि बड़कपन वही होता है कि अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम उसपे एक्सक्यूज करें मित्रों, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा। साथियों समय ज्यादा हो गया, 9:20 हो गया, आगे की जो चर्चा है समय खराब है, स्थिति खराब मत से बदतर होती जा रही है, श्रम आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, इस पे विचार आप लोगों को भी करने की जरूरत है। जो मूलभूत यहाँ की समस्या है, अभी हमारा एक साथी रोशन कुमार है, पिटलेथ पे ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर की गलती से हुआ था, ड्राइवर सस्पेंड हुआ, ड्राइवर की सस्पेंशन बहाल हुआ, प्रमोशन हो गया, टुंडला में नौकरी कर रहा है, लेकिन हमारे 4-5 साथी
एसएससी बीके सिंह, एसएससी हरिओम मीना, सीनियर टेक्नीशियन एके दास, रोशन कुमार एक साथी और है। 3 साल की WIT सीनियर डी महोदय ने कर दिया। WIP है आज तक कहते कहते ब्रांच के अधिकारी है, हाँ आज हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, अभी तक ये फाइल यहाँ से ADRM के पास नहीं गई। मैं फिर ब्रांच के लोगों से कहता हूँ, आग्रह करता हूँ इस बात के लिए कि थोड़ा सोचिए, प्रशासनिक अधिकारी आपके क्षमता को आकलन करते हैं, नापने का काम करते हैं, याद एक आंदोलन की जरूरत है अधिकारियों पे दबाव बनाने के। मैं नहीं कहता आप गाली गलौज करिए, लेकिन मैं जरूर कहता हूं मित्रों कि आप एक माहौल क्रिएट करिए, इन अधिकारियों के कमियों पे आप दृष्टिपात करिए, धरना प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए, इनको मजबूर किया जाएगा कि कर्मचारियों की क्षति न करें। आए दिन चार्जशीट देने का काम डी महोदय करते हैं, सीनियर डी से बात करती है ब्रांच तो कहते हैं डी देख रहे हैं, कंट्रोलिंग अफसर सीनियर डी महोदय आप हैं, आपको देखने की जरूरत है इसको। अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान समय में सेट का माहौल खराब हो, अशांति का वातावरण बने, तो निश्चित रूप से आप चार्जशीट दीजिए, पनिशमेंट करिए, सुविधाओं से कर्मचारी को अलग करिए। ये अगर स्थिति पैदा हो रही है तो जहां तक मेरे जानकारी में है, कल शाखा मंत्री महोदय परसों बात कर रहे थे, नोटिस भी इन्होंने बनाया है देने के लिए। मैं खुद कहना चाहता हूं आपसे कि आप नोटिस दीजिए 14 दिन की, यहीं पे आप लगाइए, धरना प्रदर्शन करिए, आंदोलन करिए मित्रों, निश्चित रूप से मंडल स्तर से जो भी सहयोग होगा हम देने के लिए आप लोगों को तत्पर है, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। जवाबदेही आपकी बनती है तो जवाब देने से किसी को भागना नहीं चाहिए, जो भी नैतिक जिम्मेदारी लेके और महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है, मैं आज भी कह रहा हूँ। इन सब बातों के साथ पुनः मित्रों आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन करते हुए, दोपहर में हमारी मीटिंग 12:30 बजे बगल में लॉबी पे है, वहाँ पे भी मैं चाहूंगा आप लोग आवे और विधिवत रूप से सारी शाखाएं हमारी एकत्रित होंगे, उस पे आकर के अपने विचारों को दें और वहाँ पे लोगों की बातों को सुने। धन्यवाद। जय हिंद। NCRS जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।